हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस टेक्निकल गुरु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस LG CRT टीवी में ESD कौन से नंबर की लगेगी। ठीक है, तो देखिए इसका ESD नंबर जो है पूरी तरह से मिट चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो इसका मॉडल नंबर की हम बात करें तो इसका देखिए 34 नंबर CP79C। ठीक है, और एस टी आर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, W6554। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए W6554 STR लगा है। और यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है 1803 वर्टिकल आईसी इसमें 4865 लगती है और 4863 भी आप लगा सकते हैं। और देखिए इसकी मेन आईसी का नंबर उल्टा दिख रहा है, मैं आपको इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए TDA 111.05 PS/N3/3 AN4। अब चलिए इसकी ESD की बात करते हैं। तो इसमें देखिए 6006N की ESD लग जाती है और ये है उस ESD का नंबर। BSC 25N 1682 ये भी लग जाती है और 6006N, तो ये दोनों ESD इसमें लग जाती है। तो इस किट में प्रॉब्लम ये है कि इसकी ESD यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है, इसलिए इसे हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एक और वेबसाइट का लिंक दे दूंगा ब्लॉग का, तो आप वहाँ पर जाके सैमसंग, वीडियोकॉन, सनसीयू, जितनी भी अल्ट्रासिम TV है और कंपनी की TV है, वहाँ आपको पूरे पार्ट्स की जानकारी मिल जाएगी, जैसे मेन IC और STR, ESD नंबर, रिमोट कौन सा लगेगा, पूरी डिटेल्स उस किट ब्लॉग में दी हुई है। तो मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी वो जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।